Hello everyone, welcome in Power Plant Engineering as a elective of Mechanical 5th Semester, Unit 3 Steam and Gas Power Plants. Topic number 2 from Unit 3 Fuel Handling Plant in Steam Power Plant. Lecture number 12 prepared by Mrs. Amruta Mundle, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Content of this lecture as fuel handling system in steam power plant, types and components. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to explain working of fuel handling plant in steam power plant. Construct layout of steam power plant. List the components of fuel handling plant. Program outcomes of this lecture from this table, from PO1 to PO10 is mark, and PSO1 to PSO3 also will be mark. This program outcomes achieved by this lecture. Overview of last session. तो last session में हमने देखा working of steam power plant. List the components of steam power plant. Discuss advantages and disadvantages of steam power plant. तो last lecture में हमने देखा था कि steam power plant क्या होता है, इसका layout किस तरह से आपको prepared करना है और actual construction working of steam power plant किस तरह से plot करना है. Question is that what is steam power plant? Remind thermal engineering when I am taught this steam power plant, but you remind at that time last lecture of steam power plant. Steam power plant kya hota hai ye pata chalega to hi hum aage pad sakte. So dekhte hai स्टीम पावर प्लांट के बारे में, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, इंट्रोडक्शन ऑफ पावर स्टीम पावर प्लांट, जिसका शॉर्ट फॉर्म हमने दिया है SPP. एग्जाम में SPP आए या स्टीम पावर प्लांट आए, आपको सेम कंसेप्ट याद रखना है. ये आपके रेफरेंस के लिए है. तो स्टीम पावर प्लांट में स्टीम एज ए वर्किंग फ्लूड यूज होगा और ये हमारे साइकिल जो है वो रैंकिंग साइकिल पर वर्क करेगा. इट स्टीम पावर प्लांट ऑल्सो कॉल्ड एज ए थर्मल पावर प्लांट. तो इसमें होता है स्टीम जनरेशन इन बॉयलर होगा, दे एक्सपांडेड इन प्राइम मूवर एंड कंडेंस इन कंडेंसर एंड फेड इनटू द बॉयलर अगेन विद द हेल्प ऑफ पंप. तो ये डायग्राम भी हमने प्रीवियसली डिस्कस की थी, अगेन हम रिवाइज करते हैं कि बॉयलर के अंदर स्टीम जनरेट होता है तो आपको कोल का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा. तो कोल को आप यहाँ पे इंसर्ट करोगे एट द पॉइंट ऑफ डी. यहाँ से कोल आएगा, कंबर्शन होगा इन बॉयलर इनसाइड, देन यहाँ से वाटर आएगा तो ये वाटर स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट होगा और जैसे जैसे आपको नीचे साइड में रेड दिख रहा है और ऊपर साइड में येलो दिख रहा है तो यहाँ पे हीट कंबर्शन चैम्बर के अंदर कम होगी. जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो चिमनी के थ्रू एट ए पॉइंट ऑफ जी एग्जॉस्ट हो जाएगी. देन यहाँ पर जो स्टीम आएगा वो हाई प्रेशर सुपर हीटेड स्टीम रहेगा, जो टर्बाइन पर स्ट्राइक करेगा तो टर्बाइन की ब्लेड रोटेट होना स्टार्ट होगा एट द पॉइंट ऑफ ए एंड बी. तो जैसे ही टर्बाइन रोटेट होता है तो यहाँ पे जनरेटर शाफ्ट कपल होता है, उसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. ये स्टार जो आपको दिख रहे हैं येलो कलर के, दैट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अगेन देन जो स्टीम बची रहेगी टर्बाइन में उसको हम रिसर्कुलेट करेंगे बॉयलर में. तो रिसर्कुलेट करने से पहले हम उसको कंडेंस करेंगे, मीन्स स्टीम को डायरेक्टली हम कंबशन में भेजेंगे तो प्रॉब्लम होगा. तो हम उसको क्या करेंगे, उसकी स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज अ चेंज ऑफ फेज फ्रॉम स्टीम टू वाटर. तो ये कंडेंसर में हीट एक्सचेंजर प्रोसेस होगी और एट द पॉइंट ऑफ ई यहाँ पे हीट एक्सचेंजर प्रोसेस होके फिर से ये वाटर हीटेड फॉर्म में ही रहेगा, पर फेज चेंज होगा स्टीम का वाटर में और ये हीटेड वाटर अगेन कंबशन चैम्बर में जाएगा, सुपर हीटेड स्टीम फॉर्म करके टर्बाइन पे रोटेट होगा. तो यहाँ पे जो हीट एक्सचेंजर प्रोसेस हमें यूज़ करनी है उसके लिए कूलिंग टावर का यूज़ करेंगे, रिवर से वाटर या फिर पॉन्ड में वाटर रहेगा जो कूल रहेगा, जिसका सर्कुलेशन करने के वजह से
यहाँ की जो प्रोसेस है, स्टीम में जो हीट थी उसको गेन करके ये कूलिंग टावर का जो वाटर हीटेड होगा और ये रिवर्स होगा और कूल वाटर ये कंटिन्यूसली कंडेंसर में सर्कुलेट करेगा। इसके सारे ओवरऑल कंपोनेंट्स आपने थर्मल इंजीनियरिंग में डिटेल में पढ़े हैं। आपको यहाँ पे से जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दिस कंपोनेंट एंड ओवरऑल सिस्टम स्टडी करना। तो स्टीम पावर प्लांट, वैसे ही हमने लेआउट ऑफ स्टीम पावर प्लांट भी प्रीवियस लेक्चर में देखा था, वही देखते हैं क्योंकि हमें फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम पढ़ना है। तो ये है हमारा लेआउट ऑफ स्टीम पावर प्लांट। अभी जो हमने साइकिल देखी उसी साइकिल का प्लॉटिंग इसमें दिया है एट द डिटेल फॉर्म, क्योंकि बॉयलर है तो बॉयलर में फ्यूल भी आता है, तो कोल रिक्वायर्ड है, फ्यूल हैंडलिंग प्लांट रिक्वायर्ड है, उसमें जो ऐश कन्वर्टर है ऐश जनरेट होगा, जो कोल है वो बॉयलर में जाएगा हीटेड होगा, उसमें जो पार्टिकल्स बचेंगे उसको हम ऐश बोलेंगे, उसको भी हमें ऑपरेट करना है, बॉयलर से बाहर रिमूव करना है। देन बॉयलर साइकिल है, देन स्टीम जनरेशन प्रोसेस है, देन वाटर कूल हो रहा है, स्टीम का वाटर में कन्वर्शन हो रहा है अगेन, एंड दिस हीटेड वाटर अगेन सर्कुलेट टू बॉयलर। ये ऐसे कंटिन्यूस प्रोसेस है फ्रॉम वन एंड टू अनादर है जो इस डायग्राम में शो हो रही है। तो ये जो ओवरऑल सिस्टम्स है जैसे कि एश हैंडलिंग, देन कोल हैंडलिंग, देन ए जनरेशन ऑफ स्टीम एंड कूलिंग वाटर सिस्टम, तो इस सिस्टम को हमें देखना है, दैट इज ए सर्किट्स यूज इन स्टीम पावर प्लांट। तो यहाँ पे हमने चार सिस्टम देखे, उसी सिस्टम को यहाँ पे देखते हैं, कोल एंड एश सर्किट, एयर एंड गैस सर्किट, देन फीड वाटर एंड स्टीम फ्लो सर्किट एंड कूलिंग वाटर सर्किट। अभी जो हमने प्रीवियस लेआउट देखा उसमें हमने कुछ रेड कलर के गोल किए थे जहाँ पे कोल एंड एशलिंग ऐश आएगा बॉयलर में, मीन्स कोल इंसर्ट होगा और ऐश बाहर निकलेगा बॉयलर का, दैट इज ए वन सर्किट। देन कंबर्शन के लिए हमें एयर और गैस का यूज करना है ताकि कंबर्शन हो, तो कंप्रेस एयर हम सिस्टम में बॉयलर के अंदर कंबर्शन के अंदर सर्कुलेट करेंगे, उसका सिस्टम भी हम देखेंगे किस तरह से। ऑलरेडी हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया था हाई प्रेशर बॉयलर में फ्लूडाइज्ड बेड कंबर्शन, जहाँ पे एयर और कोल का सप्लाई एक साथ होने की वजह से इन द बेड फॉर्म वहाँ पे मैक्सिमम हीट जनरेट होती है एट द लो फ्यूल सप्लाई, तो उसका भी एक सर्किट होता है इन स्टीम पावर प्लांट। देन फीड वाटर एंड स्टीम फ्लो सर्किट, जहाँ पे वाटर आ रहा है स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है और ये जो स्टीम है जनरेट हो रही है इनसाइड द बॉयलर फ्रॉम प्री हीटर टू द सुपर हीटर इनसाइड हाई प्रेशर बॉयलर, दैट्स फीड वाटर एंड स्टीम फ्लो सर्किट। एंड उसके बाद जो टर्बाइन में स्टीम जनरेट होके स्ट्राइक करती है और पावर जनरेट होता है, दैट इज ए डिफरेंट मैटर, बट जो रिमेनिंग स्टीम बचती है जिसे हम फिर से वाटर में कूल करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, वो वाटर जो है स्टीम फॉर्म से वाटर फॉर्म में कन्वर्ट होता है चेंज ऑफ फेज, बट उसका टेम्परेचर काफ़ी रहता है जिसको हम बॉयलर में फिर से रिसर्कुलेट करते हैं, दैट ओवरऑल साइज सिस्टम दैट्स कॉल्ड एज ए कूलिंग वाटर सर्किट। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट फॉर्म में देखा कि कौन से सर्किट्स मेन होते हैं स्टीम पावर प्लांट में, और लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि कौन से कंपोनेंट, ये सर्किट तो होंगे इसके अंदर कंपोनेंट्स भी होंगे जो लेआउट में काफ़ी क्लियर दिख रहा है, जो वर्किंग डायग्राम पे नहीं दिखाई देता। तो अगर एग्जाम में लेआउट बोला तो आपको लेआउट ही ड्रॉ करना है, और एग्जाम में कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ स्टीम पावर प्लांट बोला तो आप बॉयलर से लेके ओवरऑल साइकिल जो आपने थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ी है वही आप ड्रॉ कर सकते। तो अभी डिस्कस करना है कोल एंड ऐश सर्किट। तो कोल ये यूज होता है बॉयलर के अंदर फॉर कंबशन प्रोसेस। तो कोल हैंडलिंग प्लांट में क्या होगा, तो अनलोडिंग प्लांट रहेगा, वैगन टिपर्स, कन्वेइंग रहेगा, इट इज यूज फॉर कन्वेइंग कोल फ्रॉम अनलोडिंग टू द कोल यार्ड और डायरेक्टली टू द बंकर, एंड क्रशिंग प्लांट रहेगा। ये तीन प्लांट होते हैं कोल हैंडलिंग सिस्टम में। तो कोल हैंडलिंग में हम अभी कोल हैंडल कर रहे हैं, तो कोल कहाँ से आएगा, ट्रांसपोर्टेशन से आएगा, उसको हमें क्या करना है, प्लांट के स्टीम पावर प्लांट के अंदर आने के बाद अनलोड करना है, मीन्स ट्रक आया तो ट्रक को अनलोड करना है विद द वैगन टिपर।
देन उसको ट्रांसफर करना है, और ट्रांसफर करने के लिए हम कन्वेइंग सिस्टम यूज करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे कन्वेइंग, जो अनलोडिंग करने के बाद कोल को ट्रांसफर करेगा विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टली टू द यार्ड टू बंकर। एंड देन क्रशिंग प्लांट रहेगा जो कोल को पाउडराइज फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि बड़े फॉर्म के जो कोल्स होते हैं वो बर्निंग में प्रॉब्लम्स होते हैं और प्रॉपर बर्न नहीं होते, क्योंकि उसका आउटर स्ट्रक्चर तो बर्न हो जाता पर इनसाइड जो सॉलिड रहता है वो बर्न नहीं होता। अगर हम उसको पाउडर फॉर्म में करते हैं, क्रश करते हैं, जैसे कि हमने फ्लूडाइज बेड कम्बशन बॉयलर में देखा, तो उसको क्रश करते हैं तो हमें हीट प्रोसेस ज़्यादा इफेक्टिवली और लार्ज क्वांटिटी की मिलती है। कंटेंट ऑफ दिस लेक्चर एज फेयर हैंडलिंग सिस्टम इन स्टीम पावर प्लांट टाइप्स एंड कंपोनेंट्स। है कोल हैंडलिंग प्लांट, ये कोल हैंडलिंग प्लांट में क्या प्रोसेस होती है ये हमने पहले ही देखा है, जैसे कि अनलोडिंग होता है, अनलोडिंग के बाद होता है कन्वेयर, और कन्वेयर के बाद में होता है क्रशिंग। ये तीनों प्रोसेस कोल हैंडलिंग प्लांट में होती है जो इस डायग्राम में शो करता है। जैसे ही कोल आएगा इस प्लांट के अंदर तो हमें क्या करना है, वैगन टिपर से उसको अनलोड करना है एट दिस पॉइंट। जैसे ही वो अनलोड होगा तो हमें क्या करना है, हॉपर के थ्रू, फीडर के थ्रू उसको इस कन्वेयर बेल्ट पे अटैच करना है। तो यहाँ से वैगन टिपर में आएगा, वैगन टिपर से होपर में जाएगा, होपर से फीडर होके फिर कन्वेयर बेल्ट में ट्रांसफर होगा, कन्वेयर बेल्ट से डायरेक्टली ट्रांसफर होगा क्रशर हाउस में। क्रशर हाउस के अंदर ये प्रोसेस होगा जिसमें क्रश होगा, जिस तरह से बड़े स्टोन से गिट्टी बनाने का काम होता है वैसे ही कोल को हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम क्रशर में करते हैं। तो ये क्रशर के अंदर ये सिस्टम होगा, इस सिस्टम में कोल पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होगा और ये ट्रिपल ट्रॉली में बंकर्स में हम उसको लोड करेंगे, और यहाँ पे लोड करने के बाद ये डिफरेंट डिफरेंट बॉयलर्स में डिफरेंट लोकेशन में बॉयलर में कंबशन करने के लिए सप्लाई करेंगे। दैट इज ए कोल हैंडलिंग प्लांट फ्रॉम अनलोडिंग सिस्टम, कन्वेयर सिस्टम एंड क्रशिंग। And this layout is shown here. In plant handling of coal, जैसे कि coal आया तो हमने उसमें क्या किया, तीन process की, unloading, conveyor and then crushing. तो in plant के अंदर उसमें किस तरह से हमें handling करना है और उसमें कौन से equipments हम use करेंगे उसके बारे में देखते हैं, क्योंकि ये exam में question आता है, write the equipments used in plant handling of coal. तो उसमें हमने कोल डिलीवर्स, रोड रेल शिप देखे, अनलोडिंग इक्विपमेंट्स देखे जो प्रीवियस डायग्राम में था, प्रिपेयरिंग इक्विपमेंट्स देखे दैट इज ए क्रशिंग सिस्टम, देन ट्रांसफर इक्विपमेंट जो कि नीचे साइड में प्रीवियस डायग्राम में दिया था, जिसको हम डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स में पाउडराइज फ्रॉम क्रश्ड कोल ट्रांसफर करते हैं इन डिफरेंट बॉयलर्स, और देन स्टोरेज इक्विपमेंट रहेंगे जिसमें हम कोल को हैवी फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में या फिर इम्प्लांट में जो कोल आया उसको डिफरेंट लोकेशन में स्टोर करेंगे, और कवर्ड स्टोरेज इक्विपमेंट, वेटिंग डिवाइसेस, कोल को हमें वेट भी करना पड़ेगा।
तो अभी देखते हैं इम्प्लांट हैंडलिंग ऑफ कोल। तो अभी हमने डिस्कस किया कि कौन से इक्विपमेंट्स इम्प्लांट हैंडलिंग ऑफ कोल में यूज होते हैं। उसे इक्विपमेंट का एक हमने लेआउट बनाया जो हमारे प्लांट को कोल हैंडलिंग इम्प्लांट हैंडलिंग ऑफ कोल में यूटिलाइज होगा। जैसे कि देखा हमने कोल को क्या करना है, हमें अनलोडिंग करना है। अनलोडिंग करने के लिए हम ये लैंडिंग मशीन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हॉपर से ये प्रोसेस अनलोडिंग होगा और यहाँ पे इस तरह से वो जाएगा। इसमें हम वेट भी करना है हमें कि वेट कितना है, तो वो जो कोल रहेगा उसका वेट करेंगे, फिर सिस्टम से भेजेंगे, कन्वेयर से हम उसको स्टोर भी करेंगे। इस सिस्टम में हम उसको स्टोर कर सकते हैं इन आयरन और फॉर्म एंड इन कोल फॉर्म। तो ये इस तरह से हम इसको सर्कुलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, मटेरियल स्टोरेज टैंक में रखेंगे जो पाउडराइज फॉर्म में है। देन उसके बाद हम उसको फर्नेस में डालेंगे। फर्नेस में डालने के बाद जो ऐश कन्वर्टर रहेगा वो ऐश फॉर्म करेगा, फिर उस ऐश को हम रिफाइन करेंगे और इस फॉर्म को अपने प्रोसेस में यूज़ करेंगे। यहाँ पे कास्टिंग प्रोसेस शो की है क्योंकि ये ओवरऑल इम्प्लांट हैंडलिंग ऑफ कोल फॉर कास्टिंग प्रोसेस दिखाया है। यही सेम प्रोसेस हमारे स्टीम जनरेटर के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हम स्टीम जनरेट करने के बाद प्रोसेस सफिशिएंट करेंगे। तो ये कोल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्टीम प्लांट के लिए ही यूज़ होता है। ये कोल जहाँ पे भी फर्निस का काम होता है या फिर स्टीम जनरेशन होता है या फिर हीटिंग बॉयलर यूज़ होता है, वहाँ पे हम इस इम्प्लांट हैंडलिंग ऑफ कोल का यूटिलाइज कर सकते हैं। So the time is to discuss unit outcomes of this lecture. Unit outcomes achieved as explained with sketches, the given fuel handling system. Summary of today's lecture: as fuel handling system in steam power plant, types and components. Program outcome achieved. जैसे कि हमने learning outcomes देखे थे at the start of this lecture, तो वो सारे PO और PSO किस तरह से मैप होते हैं, अचीव होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस लेक्चर में हमने स्टीम पावर प्लांट का बेसिक नॉलेज देखा, देन उसका डिसिप्लिन नॉलेज मैकेनिकल ब्रांच से रिलेटेड देखा, फिर उसमें एक इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, फिर उसमें एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो हमारा थर्मल पावर प्लांट मीन्स स्टीम पावर प्लांट है ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस भी इसमें इम्पॉर्टेंट है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी है और टीम वर्क भी है। वैसे इसमें कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स और एक प्रोसेस यूटिलाइज होती है। इस तरह से हमारे PO1 टू PO10 एंड PSO1 टू PSO3 फ्रॉम दिस टेबल मैप्ड होते हैं। नाउ द टाइम इज टू गिव सम असाइनमेंट एंड दैट असाइनमेंट इज असाइनमेंट नंबर 12। यू ऑल राइट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस असाइनमेंट and solve in your copy and upload as a assignment number 12. As explained, fuel handling system with neat sketch. Name the devices used in implant handling of coal. What is pulverization of coal? List the transportation system used in coal handling plant. You all are note this question and solve in your copy. For solving this question, you watch this video, refer the notes given you. If some difficulty and doubts is there of any topic of this lecture, then contact to subject teacher. Topic in next session, electrostatic precipitator. तो हम next lecture में देखने वाले हैं electrostatic precipitator क्या होता है। तो ये इस फॉर्म का कुछ सेटअप रहेगा और इस तरह से वर्किंग करेगा। ये कहाँ पे यूज होगा स्टीम पावर प्लांट में, कहाँ पे और किसके काम में आएगा, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, कीप ऑनलाइन।